अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पंजाबी डैम सलील मक्का। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज और झटपट से तैयार हो जाने वाला है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में सारे मेंशन कर दूँगी, कितनी कितनी क्वांटिटी मैंने ली है वो सब कुछ आपको इजीली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन पहले आप ये पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझ आए, ताकि आप ये ना कहें कि कोई चीज़ भी मिस हो गई। ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। सारे मसाले हमने कर लेने हैं ब्लेंडर के अंदर चॉप। इसका हमने पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट तैयार करने के बाद इसके अंदर ही हमने स्पाइसेस भी सारी ऐड कर देनी है। स्पाइसेस की भी सारी क्वांटिटी है और हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ मेंशन कर दूंगी आपके लिए, वो इजी हो जाएगा स्क्रीनशॉट लेना भी, क्योंकि मैंने खुद ही से इसके अंदर नहीं बताया था कि आप वीडियो को अच्छे से देख सकें और समझ सकें। फ़िश बनाना तो सबको आता है, लेकिन फ़िश बनाने के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं कि वो टूटे नहीं। अक्सर लोग तो बनाते हैं तो उनकी वो जो मतलब पहले तो सही होती है, लेकिन पकने के बाद वो घुल सी जाती है या खुल सी जाती है, तो वो चीज़ नहीं होगी इसके अंदर। आप पूरी वीडियो अच्छे से देखें फिर आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। वैसे तो फ़िश बनाना बहुत आसान है, लेकिन फिर इसका मिक्स करने का ही सारा मिक्सचर होता है, क्योंकि इसको मिक्स आपने चम्मच से नहीं करना बल्कि दोनों हाथों से कढ़ाई को पकड़ के इधर उधर हिलाते रहना है, ताकि उससे अच्छे से ये जो हमारी जो फ़िश का सालन है वो डिप हो जाए इसके अंदर। और वो ऊपर पे ढक्कन रख के आपने पाँच मिनट तक इसको स्टीम देनी है, उससे ये जो फ़िश होती है वो हमारी अंदर तक पक जाती है। लास्ट पर हमने सिर्फ काले में ज़ीरा गरम मसाला स्प्रिंग कर इसके ऊपर स्प्रिंग कर देना है और इसको सर्व कर देना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलूँगी एक नई रेसिपी और के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।